Hi everyone and welcome to my channel. So okay, so किसी ने मुझे लास्ट व्लॉग में कहा था कि शीतल तुम एक तो मतलब तुम दुखी हो या अदरवाइज तुम टायर्ड हो. सो मैं टायर्ड हूँ, जी हाँ. जैसे कि कुछ दिनों से आप देख रहे हैं बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है और साथ ही साथ बहुत कुछ चीज़ें जो है वो चल रही है और उसके साथ साथ मेरा घर का क्लीनिंग तो रह रहा है. ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरा घर इतना मेसी हो गया है ना. मैं कितनी दिन से बोल रही हूँ आपको. एक्चुअली घर गंदा नहीं है, बस जो चीज़ें प्रॉपर जगह रहनी चाहिए वो उस जगह नहीं है, बस ये हो गया है. अभी देख सकते हैं सारा सामान, कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, कबर्ड तो उसकी हालत तो ख़राब है. क्लीन है पर जो कहते हैं ना कि प्रॉपर जगह सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है. सो इस वजह से भी मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ. तो मैंने आज नितेश को कहा कि ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो मेरा, मतलब उस पर मेरा क्या बोल सकते हैं, मेरा हुकूमत चलेगा मतलब इसका क्लीनिंग करने का, और ऊपर वाला जो है वो तुम करोगे क्योंकि मुझे ऊपर का कुछ नहीं आता क्लीनिंग करना, नितेश ही करते हैं. क्योंकि मुझे इतना इरिटेशन होता है ना कि क्या करूँ ऊपर का क्लीनिंग करते टाइम, तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ. तो अंडर आइज जैसे डार्क सर्कल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं. काम कर रहे हैं मीन्स स्टार्ट तो नहीं किया है बट मैं सोच रही हूँ और नहीं बताती यार, क्योंकि क्या हो जाता है ना कभी कभी मैं बता देती हूँ यार बट नहीं हो पाता है. तो जब होगा तो हम बताएंगे और वो डिजिटल मार्केटिंग के ही बारे में होगा. सो इस वजह से उसका मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ रहा है और मैं ना बहुत स्टडी करती हूँ यार. मतलब मैं ऐसे स्टूडेंट थी ना अपने स्कूल में, बहुत रट्टा मारती थी फिर जाके मतलब मेरी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होती थी. होते हैं कि कुछ कुछ बच्चों को जो है वो बहुत जल्दी समझ में आता है, बट मेरा ऐसा है ना कि मैं एक बार मतलब एक बुक नहीं होता था मेरे पास. मेरे पास अभी भी याद है कम से कम पाँच बुक तो होंगे एक ही, मतलब एक जो बुक होगा अगर साइंस का, मोस्टली साइंस का मैं बता देती हूँ, साइंस का अगर एक बुक होगा तो उसके साथ साथ उसके और भी दूसरे पब्लिशर के जो बुक्स होते हैं ना वो रेफर कर मैं यूज़ करती थी. सो इससे मतलब एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाती, तो जिसमें मुझे ईजी तरीके से समझ में आता था तो वो मैं अपने दिमाग में रखती थी. तो चलिए करते हैं. बाल पीछे से ऐसे आते हैं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. सो ये है नेपथेलिन बॉल्स, मेरी पहली बार पड़ा है मतलब इसको डायरेक्टली मैं रख देती हूँ. सो ये डीमार्ट से मैंने लाया था और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बच्चों से इसको दूर रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चों को लगता है कि ये खाने की चीज़ है, तो ये इसको ना बच्चों से दूर ही रखिएगा. और इन्होंने यहाँ पे लिखा है आइडियल फॉर टॉयलेट्स, वॉश बेसिन, बाथरूम, किचन, कबर्ड, बुक शेल्स, होटल्स एंड गोडाउंस एक्सेट्रा, 100% स्टेन फ्री है. तो ये मैंने फिर से तो डीमार्ट से लाया है, तो चलिए रखते हैं. क्योंकि कुछ कुछ होते ना ऐसे बॉल्स तो उसके स्टेन जो है वो लग जाते हैं, बट इसका अभी तक नहीं, मुझे कभी भी नहीं लगा स्टेन. जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ ना मुझे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि शीतल तुम्हारे पास ब्लाउज नहीं है क्या, ब्लाउज नहीं है क्या.
तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास कितने सारे ब्लाउज हैं, मतलब मैं रैक में रख दूँगी तो आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली ब्लाउज है बट क्या होता है ना कि ऊपर जो ब्लाउज होता है ना वही मैं ले लेती हूँ, मतलब ये कहीं ना कहीं मेरी गलती है। और कुछ ब्लाउज जो है मुझे इतने प्यारे हैं, उनकी फिटिंग मुझे इतनी प्यारी ना कि कुछ मेरे ब्लाउज जो है जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने उनको लूज़ करवाया था और वो अभी तक मैंने टाइट नहीं करवाया है क्योंकि उसके बाद इतनी सारी साड़ियाँ हो गई कि मतलब वहाँ तक पहुँचने में मुझे टाइम ही नहीं मिला। अभी तो उसके बाद शादी मतलब बच्चे होने के बाद भी कुछ साड़ियाँ मेरे मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी, वो भी मतलब ब्लाउज वगैरह पूरा रेडी है बट परकर मतलब जो क्या बोलते पेटीकोट उसको बोलते हैं हिंदी में, तो पेटीकोट लाने में भी मुझे इतना ज़्यादा ये लगता है पास में ही है समो मतलब समोर में मराठी में बोल रही हूँ, एकदम बगल वाले शॉप में ही है पेटीकोट मिल जाता है, बट कहीं मतलब पता नहीं मैंने क्यों नहीं पहनी वो साड़ी। और इसमें है येलो कलर की साड़ी है, तो ये ब्लाउज जो है मेरी सिस्टर ने सिलवाया है, बहुत ही अच्छा वाला ब्लाउज जो है उसने सिलवाया है। बट मैंने एक बार भी, अगर आप मुझे फॉलो करते होगे ना तो मैंने एक बार भी ये साड़ी जो है नहीं पहनी है। सो मैं सोचती हूँ कि पहनूँ बट इतने सारे क्लोथ्स और ये साड़ियाँ आ जाती ना कि वहाँ तक मैं पहुँचती नहीं हूँ साड़ी तक, और भी कुछ साड़ियाँ है जहाँ तक मैं पहुँची भी नहीं हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इतने सारे ब्लाउज है, मुझे भी नहीं पता कि ये कितने ब्लाउज है, और मुझे लगता है कि ये परफेक्ट इसमें बैठ जाते, थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा और आगे चाहिए था मतलब और ज़्यादा परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। तो मैं ना साड़ी के जो पाउच होते हैं ना वो लाने वाली हूँ, बट टाइम कहाँ पे यार मेरे को, क्योंकि ये साड़ी के जो पाउच होते हैं ना जैसे कि ब्लाउज़ का भी पाउच होता है उसमें बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं, मेरे जो पाउच है ना वो ख़राब हो चुके हैं उसमें, मतलब जस्ट आप ब्लाउज़ रख सकते हो। और गनू दीदी ने टॉयलेट कर दी है ना, सोई थी और सोफे पे पूरा सुसु कर दिया, टॉयलेट भी की, सब कुछ वही सिमटने में टाइम गया मेरा। काय ग स्वामी श्री इस बारे में बहुत ही मतलब बेहतरीन है, तो स्वामी श्री जो है ना उसको बिल्कुल सुसु और पोटी जो है उसके वो आ गई है, मैंने बोला आ जाओ आ जाओ, नहीं किया वो नहीं करती है, नहीं नहीं स्वामी श्री नहीं करती है, मुझे स्वामी श्री बिल्कुल नहीं करती है, आप करते हो बेबी। और मैं अभी आपको मीशो ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, मीशो ऐप के ज़रिए आप घर बैठे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। सो साइन अप कैसे करना है और आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं तो वो सारी डिटेलिंग इस छोटी सी क्लिप में अभी शेयर कर रही हूँ, तो वो देखिएगा। और मीशो ऐप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप वहाँ पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीशो ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या अदरवाइज लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे ढेर सारे वैरायटीज है, साड़ीज है, कुर्तीज है, तो आपको जो चाहे वो कैटेगरी जो है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्रेसेस की कैटेगरी जो है वो चूज करती हूँ। यहाँ पे शेयर नाउ करना है, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं आप, सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा जरिया है, व्हाट्सएप के जरिए आप अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और उसके ऊपर अपना मार्जिन रखिएगा और अर्निंग कीजिएगा।
और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, नीचे वाले जो सेक्शन होता है ना, बहुत ज़्यादा। आप कुछ थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए ना मुझे कि मैं क्या करूँ। और मेन चीज़ है ना, ये बंद भी होता है, ये जो कबर्ड होता है ना ये बंद भी होता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा गंद हो जाती है। ये वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, ये वाली साइड पे। और मैंने ना इस बार पेपर नहीं रखे हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, वो जो पेपर्स होते हैं ना तो उसका जो प्रिंट होता है वो लग जाता है। और मेरे पास इतने कॉटन के क्लोथ्स नहीं है। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि नीचे कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं ना वो डाल दीजिएगा, बट इतने नहीं यार मेरे पास, तो मैंने सोचा कि ठीक है ऐसे रख देते। और कुछ दिन पहले ना एक किस्सा हो गया था, तो मैं बहुत दिन हो गए सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बट यू नो इतनी सारी बातें होती ना कि डेली मेरे लाइफ में होती रहती है कि क्या बताऊँ। कुछ दिन पहले ना मेरे पड़ोसी आए थे, और पड़ोसी मीन्स उनकी और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वो मेरे सास की उम्र की तरह, सास की उम्र की है, मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और वो मतलब ऐसे है कि बहुत पुराने हैं, मतलब पुराने ज़माने के हैं, बट जैसे कि जिस ज़माने की जो लड़कियाँ होती है तो उनके साथ वो घुल मिल जाती है, सो वो भगवान जी की भी बहुत प्रार्थना करती है, और हंसी मजाक जो है हम में बहुत चलता है। तो अभी कुछ दिनों पहले वो आए थे और मुझे बोल रहे थे, ऊपर आए थे, तो वो बहुत बार नहीं आते तो इस वजह से मैं शूटिंग नहीं कर पाती हूँ, बट रास्ते में भी मिल जाते तो टाइम बातें करते, मैं मिलवाऊंगी आपको एक दिन। और उन्होंने मुझे बोला कि अभी लड़कियां हो गई ना, अभी चार लड़कियां जो है वो 4 साल की हो गई है, तो अभी ना तू लड़का पैदा कर ले, लड़का पैदा, मतलब ताने मार रही थी। और घर पे भी आए थे ना तो ताने मार रहे थे। और जब भी हमारे यहाँ पे गणपति आते हैं ना तो मोहल्ले में, तो उस टाइम भी हम सभी औरतें बैठे थे, तो उस टाइम भी वो ताने मार रही थी। अभी मैंने उसको बोल दिया है कि अभी दो दो लड़कियाँ हो गई है, सब कुछ अच्छा है, तो अभी और एक, बस एक लड़का हो देने दे, वो जाने दे। सो ऐसे मतलब वो जो मुझसे बातें करते हैं ना वो एकदम हेल्दी होता है, वो जो ताने मारते हैं ना वो हेल्दी बोल सकते हैं, जिससे मतलब आपको चोट नहीं लगती है। सो मतलब वो एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अभी ये स्वामी श्री गणेश का कब्बड़ जो है वो निकाला है, मेरा कब्बड़ पूरा अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। तो स्वामी श्री गणेश के जो कुछ क्लोथ्स है जो उनको नहीं बैठ रहे तो वो अभी मैं निकाल रही हूँ। तो अभी नाश्ते के लिए हमने, सॉरी, खाना खाने के लिए हमने डोसा लाया है, और यहाँ पे है भेल, और भी है सैंडविच वगैरह। तो काम जो है वो अभी चल रहा है, और अभी ये देखिए ये भी आ गए हेल्प करने के लिए। हाय कर अब बोलो ना कुछ, तो बोलो बेबी को हेल्प करके कैसा लग रहा है? घर क्या हाल है? कपड़े इधर उधर पड़े, उधर भी पड़े हुए, बट और ये देखिए, ये देखिए गनु दीदी ने सुसुक किया था उस सोफे के ऊपर। सो नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखेगा, घर बहुत साफ सुथरा दिखेगा, आई होप। सॉरी। ओके सो बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हैं।
कर रहे हैं। सो अभी रेडियो लगाया है इन्होंने और ये जो कुछ चुनरी है वो मेरे पुराने पंजाबी ड्रेस की है। तो मैंने अभी इसका ये सोचा है कि मैं जो मेरे कबड़ है उसमें रख दूँगी, मतलब कबड़ में रख दूँगी, बट जो मेरे साड़ीज़ वगैरह है उसके ऊपर मैं ढक दूँगी। तो देखिए ये कबड़ ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। तो धूल वगैरह क्या दूंगा यार, इन्होंने ना सारी बैग्स वगैरह यहीं पे रख दी। तो ये जो साड़ी है तो क्या होता है ना कि यहाँ पे विंडो होती है, मैं कितनी भी बंद रखूँ बट फिर भी धूल जो है वो आती रहती है। और मुझे बहुत सी सारी चीज़ें जो है वो मिल रही है। तो ठंड तो कुछ आ नहीं रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे। तो ये मुझे शुगर बॉक्स में मिला था 1-1.5 साल पहले और हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत खराब नींद आ रही है। ये देखिए आप सोच रहे ये मेकअप बॉक्स है क्या, आप सभी लोग सोच रहे होंगे ये इन्होंने भी क्या पहन के डाली है। और आपको बता दू गनू मैम जो है वो सो गई है, ये देखिए मतलब किसी की चिंता भी नहीं। और ये तो ये मतलब 3 बजे तक भी नहीं सोएंगे ना तभी ये नहीं सोएंगे। स्टडी नहीं किया ना आपने आज? नहीं किया? गणित ने किया? नहीं किया। तू खेला? खेला। कंप्लीट किया आपने? और ये देखिए कुछ ना कुछ चीजें मिल रही है जैसे कि बैंगल्स, ये मैंने जब मैं अपने हनीमून के लिए गई थी ना तब ये मैंने लाया था, इसके साथ एक कैप मिलती है। तो ये मैंने कभी भी पहना नहीं था और इतना अच्छा था और ये इस महारानी ने ढूंढ के इसको फाड़ भी दिया, ये देखिए मतलब ये कभी भी नहीं निकला। तो मैंने सोचा था ना कि ये ऐसे ही रख दो क्योंकि बहुत अच्छा था, ये मदुरई या कढ़ाई का कौन सा था हिल स्टेशन था, तो वो आपसे मैंने लिया था। गणेश क्या पहन के सोई आती हो, ये क्या पे मैं सोच रही थी कि दूसरी क्या कहाँ पे गई। काम करो चला, ये देखो लाल चड्डी सुसु के लिए का चड्डी मत देने को करो। यार ये दिवाली की क्लीनिंग होते है ना यार। अरे भगवान, हमने इतना सारा सामान निकाला है ना
जो हम सोचते थे कि हमें यूज में आएगा बाद में आएगा, बट अभी सोचा है कि नहीं, बस सो गया, बस सो गया। वो सामान रह रहे कि हमारे घर में हम कोई रहने के लिए जगह नहीं रह रही है। पुराने गाने लग चुके हैं, 12 बज चुके हैं। स्वामी श्री को पता नहीं पहली बार ऐसे हुआ कि वो खुद सो गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी वॉल जो है वो खराब हो चुकी है। मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मेरे पति जो है वो काम कर रहे हैं।